नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस हफ्ते वीकेंड का वर करण जौहर ने होस्ट किया। करण ने कंटेस्टेंट से खट्टी मीठी और दिलचस्प बातों से वीकेंड के एपिसोड को मजेदार बना दिया। पर करण ने इस हफ्ते कई घर वालों की पोल भी खोली, जैसा कि बॉक्सर करते हैं। करण की हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम था गौतम विज और सौंदर्य शर्मा का। करण ने इन दोनों सेलेब्स के रिश्ते की सच्चाई भी घर वालों को बताई। बेसिकली गौतम और सौंदर्य को अक्सर रात में वॉशरूम के अंदर जाकर बातें करते देखा जाता है। वैसे बात तो सही है कि ये दोनों बाथरूम के अंदर जाकर क्या बात करते हैं, पर खैर ये दोनों बाथरूम में जाकर क्या बात करते हैं इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है, पर हमारे करण जौहर और बाकी के घर वालों को थी, और इसीलिए इन दोनों ही कंटेस्टेंट के बारे में घर वाले बिग बॉस से भी चुगली कर चुके हैं। वहीं अब करण जौहर ने शो पर गौतम और सौंदर्य की क्लास लगा दी है। करण ने पहले गौतम और सौंदर्य से उनका रिलेशनशिप स्टेटस पूछा। वो कुछ बोलते उससे पहले करण ने बिग बॉस हाउस के सदस्य गौतम और सौंदर्य का सच जानना चाहा, और सभी घर वालों ने इनके रिश्ते को फेक बताया। सबकी राय जानने के बाद करण ने गौतम से कहा कि आप ये सब कैमरे के लिए कर रहे हैं, अगर आपका रिश्ता सच है तो आप वॉशरूम में माइक पहनकर सौंदर्य के साथ क्यों जाते हैं। अब मुझे यहाँ ये समझ नहीं आया कि करण जौहर को दिक्कत किस बात से है, कि ये दोनों बाथरूम में जाकर बात करते हैं या फिर ये दोनों बाथरूम में माइक पहन कर जाते हैं। पर खैर, मुझे इनकी प्राइवेसी में नहीं घुसना और हम खबर में आगे बढ़ते हैं। करण का कहना था कि गौतम और सौंदर्य शो में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ है। गौतम और सौंदर्य की पोल खोलते हुए करण जौहर ने उनसे ये भी कहा कि आप पॉपुलर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। करण गौतम से कहते हैं कि पहले हफ्ते आपको पता चला कि अब्दुल रोजिक फेमस है तो आप उनके साथ रहने लगे, इसके बाद आपको पता चला कि अर्चना पॉपुलर हो रही हैं तो आप उनके साथ रहने लगे। कुल मिलाकर ये पूरा एपिसोड गौतम विज और सौंदर्य के नाम रहा। अब देखते हैं कि सच जानने के बाद सौंदर्य और गौतम की दोस्ती बरकरार रहती है या फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या राय है ये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और बी टाउन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।